सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम लिट्टीपाड़ा के दामिन डाक बंगला परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले। जनसंपर्क अभियान में मंत्री आलमगीर आलम के समक्ष ग्रामीणों ने अपना समस्या बारी बारी से रखा। मंत्री आलम ने कहा कि भ्रष्टाचार पर हमारी पैनी नजर है, हमारी पहली प्राथमिकता भ्रष्टाचार को रोकना है। अब दिसंबर महीने से हर स्कीम का समीक्षा करके उसका जो बंद पड़ा है उसको चालू कराएंगे। समस्याओं से रूबरू होने के दरमियान विकास मंत्री के समक्ष लिट्टीपाड़ा फूल पहाड़ी के ग्रामीण अब्दुल रहीम अंसारी ने प्रखंड के कंप्यूटर ऑपरेटर बंटी रजक पर सिंचाई कूप के लिए 10,000, डोभा निर्माण के लिए 3,000, टीसीबी के लिए 1,000 रुपए रिश्वत मांगने को लेकर मंत्री आलम के समक्ष रखा। इस मामले पर मंत्री आलम ने तुरंत प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार को दूरभाष पर बातचीत कर 3 दिनों के अंदर मामले की जांच कर सूचित करने को कहा। प्रॉब्लम ये जो है, आप क्या कोई बंटी रजक बोलकर कंप्यूटर ऑपरेटर है तो कोई एंट्री करने के लिए कुहां के लिए 10,000, तो इसके लिए 3,000, उसके लिए 1,000, क्या सोचने का रहा है? हेलो, पता कीजिए, आप मेरा नंबर लेकर हमको रात को फोन कीजिएगा, कार्रवाई करेंगे। अंत में उन्होंने कहा कि इस कोविड-19 के कारण सरकार के एक साल में लोगों की जन जन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया है, इसको लेकर के हमें खेद है। मौके पर जिला अध्यक्ष उदय लखमानी, जिला सचिव कृष्णा यादव, जिला प्रवक्ता मुख्तार सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।